जोहार छत्तीसगढ़ के 13 वर्ष पूरे होने पर आप सभी पाठकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें इस अवसर पर 1 नवंबर 2021 को पत्रकार सम्मेलन व सम्मान समारोह होने जा रहा है। साथ ही रात्रि 8 बजे विराट कवि सम्मेलन भी होगा, जिसमें आप सभी सम्मानित जन सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरमपुर का मामला है, जहां नरेंद्र मोहल्ले से मिली जानकारी के अनुसार सरपंच व सचिव द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए बार बार नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस का जवाब हमारे द्वारा दे दिया गया है। ये मामला भी न्यायालय में चल रहा है। सरपंच सचिव द्वारा फर्जी तरीके से प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसकी जानकारी पंचायत के पदाधिकारी, उप सरपंच, पंच, ग्रामीणों को भी नहीं है। नरेंद्र मोहल्ले का ये भी कहना है कि जिस जमीन के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है, उस जमीन में लगभग 40 साल से हमारे दादा परदादा के समय से कब्ज है। उसका टैक्स हमारे द्वारा आज तक दिया जा रहा है। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि लगभग 40 साल से इन लोगों का कब्जा है और इनके द्वारा जुर्माना भी पटा दिया गया। सरपंच का कहना है, ये सब मैं उच्च अधिकारियों के निर्देश में कर रहा हूँ। सरपंच साहब और सचिव साहब है, मात्र में छात्रावास हॉस्पिटल बनना के बार बार नोटिस भेजे थे। सन 1980-86 हमारा आजा बाबा मन के में काबिज है और उमन उखर अथौटी भी मतलब टैक्स भी पटाए हैं, जुर्माना भी पटाए हैं और ऑलरेडी हम मन पटाता था हमारे माता जी के द्वारा से। और ये सरपंच बार 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 हमने नोटिस भेज के हमारे दिमाग के टेम्परेचर बढ़ा थे और कुछ नहीं करा थे। और हम जबकि सिविल कोर्ट में भी अवखर आवेदन दे दिए हैं। 45 साल हो गए लगभग। नाम भाकुड़ू मोहल्ले और प्रहलाद बंजारा घेरे हैं, एकर जुर्माना भी पट गए। बता लगभग लगभग 75 एकड़ हो है। बता तो दुश्मनी के बारे हता तो हटावा के था मोना सन वर्षा बन जाना। कहाँ रहते थे? बरमपुर। वहाँ सूचना दिए, हमको नोटिस भी दिया गया है। एडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने देख करके गए हैं। मेम लोग और लोग बोले हैं कि उनको 3 बार नोटिस दो, यदि नोटिस के तहत नहीं हटाते हैं तब फिर हम अपने शासन के हिसाब से वहाँ। राकेश भास्कर, लोरमी, मुंगेली।